सात तत्वों के नाम बोलो। नंबर वन,
जीत, दूसरा अजीत, तीसरा आश्रम, बंद, संबल, निर्जरा, मोक्ष, छोड़ने लायक कौन से हैं? ये उपाधि नदी करो इसमें से, ये कौन से जीव तत्व है? ये है उपाधेय है विधान भाई, आश्रय करने रूप उपाधेय जीव तत्व, अजीव तत्व ये जानने लायक, अजीव तत्व सिर्फ जानने योग्य है। पॉइंट टू बी नोटेड, अजीव तत्व जानने योग्य है, आश्रम और बंद ये है, संवर निर्जरा एक देश उपाधेय है, और मोक्ष प्रकट करने की अपेक्षा से पूर्ण उपाधेय है। याद रहेगा पक्का, कोई गलती तो नहीं होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आलू छोड़ने योग्य है या नहीं है? प्रश्न मेरा छोटा सा प्रश्न, समझिए बोलो, आलू छोड़ने योग्य है या नहीं है? किसान ये बात बाद में, पहले ये बताओ आलू सात तत्वों में से कौन से तत्व में जाएगा? आलू कौन सा तत्व है? जीव तत्व है, अजीव तत्व है, आश्रम बंद है, संवर निर्जरा है, मोक्ष है, आलू कहाँ रखेंगे? बोलो भाई साहब, अजीव है आलू, अजीव तत्व है आलू, अजीव तत्व है। और अजीव तत्व क्या होता है? के मात्र होता है, माने आलू छोड़ने लायक नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप कह क्या रहे हो? आपको पता है आलू छोड़ने लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है, धैर्य रखना, धैर्य रखना। आलू छोड़ने लायक नहीं है क्योंकि वो अजीव तत्व है, वो जड़ तत्व है, वो परद्रव्य है। छोड़ने लायक आलू नहीं, आलू के प्रति उत्पन्न होने वाला राग है क्योंकि वो राग आश्रव तत्व है। क्या आलू छोड़ना है कि आलू के प्रति राग छोड़ना है? आलू के प्रति होने वाला राग कौन सा तत्व है? आश्रम। और आलू अजीव तत्व, तो अजीव तो गे मात्र है। अरे कितनी बड़ी समस्या है कि सारे जगत के पदार्थ जो गे मात्र है उसमें हे और उपाधेय का बंटवारा हो रहा है, और जो छोड़ने लायक है उसे ये पहचानता ही नहीं। क्या छोड़ने लायक है उसका खबर ही नहीं है। तो फिर साहब कैसे छोड़ा थे, कैसे छोड़ते हो ये तो बताओ। अच्छा खानम नानम की चर्चा चल रही है, ज्ञान मात्र से ये छूट जाता है, ज्ञान मात्र से निवृत्ति हो जाती है, ये चर्चा यहाँ चल रही है। कि साहब समझ में नहीं आई बात, मैं आपसे पूछता हूँ आलू कैसे छोड़ते हो? बोलो आलू कैसे हाथ में उठाते हो? हे आलू अब मैं तुझे छोड़ता हूँ, कैसे कैसे छोड़ते हो? छोड़ते कैसे हैं मेरे को समझ में नहीं आया। रमन भाई कैसे छोड़ते हैं? जयेश भाई छोड़े कैसे, आलू को कैसे छोड़ते हैं, कैसे छोड़ा जाता है? ज्ञान में, आगे से नहीं खाना है, खाने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसके प्रति उत्पन्न होने वाला जो राग था वो राग करने योग्य नहीं है। इतना से ज्ञान मात्र का नाम ही तो आलू का त्याग है, और त्याग कैसे होता है ये तो बताओ मुझे। सारी दुनिया त्याग 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 के पीछे लगी है, लेकिन भाई मेरे ये नक्की कर क्या छोड़ने योग्य है और क्या नहीं छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है। तेरे दुख का कारण परद्रव्य नहीं है, कितनी बातें की कल हमने आपके बीच में, बोलो परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। गाथा क्या कह रही है? दुख से कारण वेंकट जी गाथा मूल शब्द प्रयोग कर रहे हैं आचार्य देव, तेरे दुख का कारण आश्रम है, तेरे दुख का कारण परद्रव्य नहीं है। कितने पॉइंट गए थे कल? तेरे दुख का कारण परद्रव्य नहीं है, तेरे दुख का कारण लाइट चले जाना नहीं है, तेरे दुख का कारण गर्मी नहीं है, तेरे दुख का कारण बाहरी आवाजें नहीं है, तेरे दुख का कारण संयोग नहीं है, तेरे दुख का कारण परिस्थितियां नहीं है। तो फिर कर्म का बंधन तो दुख का कारण होगा कि नहीं? बंध भी तेरे दुख का कारण नहीं है, क्योंकि बंध तो 24 आवर्स चल रहा है, 24/7 है बंधन, 24 घंटे बंधन हो रहा है, बंधन हो रहा है, दुख नहीं है। तो फिर उसका उदय आया
राजी होगा कि नहीं उधर भी दुख का कारण नहीं है। क्या करो, ये खाम खान का वजन अपने माथे पर लेकर के घूम रहा है, सारी दुनिया को दुख के कारण रूप से देख रहा है, कर्म बंधन को दुख के कारण देख रहा है, कर्म के उदय को दुख का कारण देख रहा है। आचार्य देवी कह रहे हैं कर्म के उदय के काल में भी कर्म का उदय नहीं, तेरा विपरीत परिणाम तेरे दुख का कारण है, तेरा विभाव भाव तेरे दुख का कारण है, तेरा राग भाव तेरे दुख का कारण है, तेरी कषाएं तेरे दुख का कारण है। तो फिर क्या करें, किसे मिटाएं वो लोग, क्या करें? ये तीन बातें कह रहे हैं आश्रमों के संदर्भ में, तीन बिंदु। वापस नंबर वन बोलो, किसको याद है? अशुचि, अशुचि नंबर वन कहते हैं, आश्रम भाव अशुचि है। नंबर दो आश्रम भाव विपरीत भाव वाले हैं, और नंबर तीन आश्रम भाव दुख के कारण है। और इतना जानने पर भी यदि तू नहीं छोड़े तो आचार्य देव कह रहे हैं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है यार, या तो तूने जाना नहीं है क्या, और या तुझे ये लग रहा है कि इनको छोड़ दूंगा तो मिलेगा क्या, कुछ तो बात है, कुछ तो बात ऐसी लग रही है कि आखिर कारण क्या है, तू इन आश्रमों को छोड़ क्यों नहीं पा रहा है। तो टीका में कमाल कर दिया आचार्य देव ने, चलिए टीका प्रारंभ करते हैं, शुरू करें। पुस्तकें हैं आप लोगों के पास में, एक नंबर पेज, पहले पेज से बात करते हैं, गाथा खोल लेते हैं पहले, फिर टीका से चर्चा करेंगे, रिपीट करेंगे ना आप लोग, गाथा तो याद होनी चाहिए, सात आठ दिन गाथा चले और गाथा याद नहीं हो। धूण आसमानम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणं तिर जीवो अशुचि पना विपरीतता ये आश्रमों का जान के हरु इन आश्रमों की अशुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करे इनसे निवर्तन दुख कारण मान कर। भाई ये कैसे है आश्रम वाव, बोले अशुचि है विपरीत है में कह रहे हैं जल में सेवाल माने काई है, सो मल या मैल है, जल में काई है, काई सेवाल जानते हैं, काई आ जाती है ऊपर ऊपर, वो क्या है मैल है, उस सेवाल की भांति आश्रम मल रूप या मैल रूप अनुभव में आते हैं, उसकी भांति जैसे जल में उत्पन्न होने वाली काई है, वो जल नहीं है, वो जल का स्वरूप नहीं है, वो पैदा कहां हुई है, बोले जल में ही पैदा हुई है, लेकिन जल में पैदा होने पर भी जल का मल है, उसी तरह से ये आश्रम परिणाम भी आत्मा में पैदा होने पर भी आत्मा का मल है, इसलिए वे अशुचि हैं, अपवित्र हैं, छोड़ इसको, अपवित्र हैं, छोड़ दे इसको, ये गंदे हैं, तो साहब इनको छोड़ दूं तो मिलेगा क्या, इधर देख कौन दिख रहा है, कल क्या दिखाया था आपको,
क्या दिखाएं बोलो, इन आश्रमों के सामने हम तुम्हारे को क्या दिखाएं कि जिससे उत्कृष्ट, जिससे बढ़कर दूसरी कोई चीज दुनिया में नहीं हो, वो दिखा रहे हैं हम। इन आश्रमों के सामने क्या दिखा रहे हैं आचार्य देव, ये कह रहे हैं, और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है, इसलिए अत्यंत शुचि ही है, पवित्र ही है, उज्ज्वल ही है। ओ, एक तरफ तो ये गंदे मलिन आश्रम भाव है और दूसरी तरफ देखो ये परम पवित्र आत्मा, कैसा आत्मा, कैसा कैसा आत्मा, शुचि शुचि आत्मा, ये नहीं नहीं भगवान आत्मा। कल हमने कही थी आपसे अंतिम चरणों में ये बात कि भाई साहब ये वो टीका है जे टीका के दम पर गुरुदेव अपने प्रत्येक प्रवचन में ये बात कहते हैं, भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा। हमारे महाविद्यालय के हजार विद्वान, कोई भी विद्वान कभी भी शास्त्री किया हो, गद्दी पर बैठ करके व्याख्यान करे और आत्मा शब्द बोले तो उसके पहले भगवान ऐसे अपने आप जुड़ जाता है जैसे भगवान आत्मा का ही विशेषण हो। क्या इस आत्मा को भगवान किसने बना दिया बोलो, इस आत्मा को भगवान बनाने वाला कौन है? अरे बना बनाया भगवान है। और सुनो, हमारे दिलो दिमाग में इस आत्मा को भगवान आत्मा किसने बना दिया? इस सोनगढ़ के संत गुरुदेव श्री का ही भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा। लेकिन वो भगवान आत्मा भगवान आत्मा जब दूर बैठे हुए लोग सुनते हैं ना, उन्हें लगती है कौन से आत्मा की बात कर रहे हैं, ये भगवान आत्मा कौन सा आत्मा है, ये आदिनाथ भगवान का आत्मा है कि महावीर भगवान का आत्मा है, ये भगवान आत्मा जिन भगवान आत्मा की यहाँ बात कर रहे हैं, ये कौन सा परमात्मा है, ये अनंत परमात्मा की चर्चा चल रही है या सिद्ध परमात्मा की चर्चा चल रही है, ये कौन भगवान आत्मा है कि सुनो ये आदिनाथ की नहीं, ये तो अनादिनाथ की चर्चा है भाई, ये अनादिनाथ की बात कर रहे हैं, ये वो भगवान आत्मा है जो कहीं दूर नहीं है, ये वो भगवान आत्मा है जिसके आगे अर्घ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये वो भगवान आत्मा है जिसका लक्ष्य हो जाने पर तो अर्घ चढ़ते हैं। क्या इसको अर्घ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो पर्याय भगवान आत्मा का अवलंबन ले ले वो पर्याय धन्य हो जावे, वो पर्याय पवित्र हो जावे। क्या विशेषण दे रहे हैं भाई साहब, ये भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, दीपकनाथ जी अपने लिए कर रहे हैं, ये आचार्य देव क्या देख रहे हैं भाई साहब, तुम्हें भगवान देख रहे हैं राजीव, भगवान हो पापी नहीं देख रहे, पामर नहीं देख रहे, दुखी नहीं देख रहे, अज्ञानी नहीं देख रहे, भिखारी नहीं देख रहे, ये कह रहे हैं तुम परमात्मा हो, तुम कल्पना कर सकते हो, तुम कौन सी जगह पर आकर के बैठे हो, आपको मालूम है हम कौन से समुदाय में आकर के बैठे हैं, आपको मालूम है जिस जगह पर हम आकर के बैठे हैं, यहाँ के वक्ता यहाँ के विद्वान हमें कहने वाले हमें पुकारने वाले आचार्य परमात्मा हमें परमात्मा कहकर के पुकारते हैं, मिलेगी ऐसी जगह कोई, सारी दुनिया में गालियां निकालने वाले मिलेंगे, बुरा भला कहने वाले मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले मिलेंगे, ये आचार्य देव जिन्हें हम आचार्य कह रहे हैं वो हमें क्या कह रहे हैं, हमें भगवान कह रहे हैं, हमें वो आचार्य दिखाई दे रहे हैं, हमें वो मुनिराज दिखाई दे रहे हैं, हमें वो साधु संत दिखाई दे रहे हैं, और उन साधु संतों को हम कैसे दिखाई दे रहे हैं, बोले तुम परमात्मा हो, तुम्हें कीमत पता है तुम्हारी, तुम कौन हो, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाना ये मुमुक्षुओं की सभा को छोड़कर के आपको भगवान कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, पूरे दुनिया भर में घूम जाओ, किसी की भी चर्चा सुन जाओ, किसी भी बड़े से बड़े आदमी की चर्चा सुन लो आप, सारी दुनिया जिनके ऊपर लट्टू होती हो तुम उनकी चर्चा सुनो, लेकिन उनके मुंह से तुम्हारे को यही मिलेगा, समझता क्या है तू, बैठ यहाँ पे, तू है कौन, तू जानता है हम कौन है,
ये सभा ऐसी है जहां क्या कह रहे हैं, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू नहीं तमे परमात्मा छो बताजी परमात्मा छे, नक्की कर निर्णय कर तू परमात्मा है। साधारण जीव नहीं है, तो अल्प नहीं है, अपने आप को पावन मत समझना, किसके सामने खड़ा कर दिया है। एक तरफ वहां वो मरने वाले आज मरे, अगले समय की पर्याय में जो नियम से मरण को प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे कौन आश्रत, एक तरफ तो वो है, और उनके सामने जो योद्धा खड़ा है वो कौन है, वो तो कहते हैं आश्रत, तो बेचारे मरने वाले हैं, वो बेचारे दुख के कारण है, वो बेचारे पावर है दीनहीन है, आश्रय तलाशते फिरते हैं, उनको कोई शरण देने वाला नहीं है, और इनके अगेंस्ट में दूसरी तरफ देखो तो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, भगवान को लाकर के खड़ा कर दिया यहाँ। आचार्य अमरचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि भैया सुन, जिसने भगवान को देखा उसके सामने क्या विपात कि ये चोर लुटेरे और उचक्के बदमाश टिके रह सके, ये अपराधी भाव है ना, ये अपराधी व्यक्तियां है ना, ये अपराधी वृत्तियां, अपराध करने वाले लोग किसी पुलिस वाले को देख करके सामने खड़े रह सकते, ये अपराध करने वाली वृत्तियां, ये राग द्वेष के परिणाम, ये उस भगवान को देखने पर ये टिक सकते हैं क्या, ये नहीं टिकेंगे, ये नष्ट हो जाएंगे, ये अभाव को प्राप्त हो जाएंगे, जानने मात्र से अभाव को प्राप्त हो जाएंगे। किसाब काई दिख रही है यहाँ तो, अरे काई तो मल है, काई कहां होती है भाई साहब, ऊपर 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 ऊपर, काई का एक स्वभाव है, जल में तो उत्पन्न हुई है लेकिन जल के अंदर नहीं है, जल के अंदर मिलती नहीं है, जल के अंदर प्रवेश करती नहीं है। इन आश्रम भावों को काई की उपमा देकर के आचार्य देव कह रहे हैं सुनो, ये आश्रम परिणाम तेरे ज्ञायक भाव को मलिन नहीं करते, ये तेरे ज्ञायक भाव में मिलते नहीं है, इन ज्ञायक भाव में इनका प्रवेश नहीं है, ये आश्रम परिणाम जिनकी वजह से तू दुखी हो रहा है, जिनकी वजह से तू परेशान हो रहा है, चिंता की जरूरत नहीं है, इधर देख ये भगवान खड़े हो गए हैं और ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। किसा मुझे तो भगवान दिख ही नहीं रहा है, तुमने तो कह दिया भगवान है, तुमने कह दिया और हम मान ले, आप कह रहे हो भगवान है भगवान है, हमें तो आश्रम ही आश्रम दिखाई दे रहे हैं, हमें तो राग दिखाई दे रहा है, हमें तो कषाय दिखाई दे रही है, हमें तो नाराजगी दिखाई दे रही है, काम क्रोधादि के परिणाम दिखाई दे रहे हैं, तुम कह रहे हो भगवान देखो भगवान देखो, काई काई को दिख रही है। कोई नादान व्यक्ति पानी की प्यास से तड़पता हुआ यदि किसी कुएं के किनारे जावे या किसी से पूछे कि भाई साहब पानी पीना है पानी पीना, भाई भाई इधर कुआ है कुआ, इधर तालाब है इधर जाओ, तो वहां जाकर के देखे और उसे दिखाई दे रही है ऊपर काई बिछी, अब क्या करूं, अब समझ नहीं आ रहा, काई काई दिख रही है, लौट करके आ गया, कहां है पानी, तो गंदा है, काई काई है, गंदगी है, अशुचिता है, मलिनता है, क्या करें। अरे भाई साहब तुम उस काई को हटाओ, वो काई हटेगी ना तो अंदर निर्मल जल ज्यों का त्यों मौजूद है। कि अच्छा काई हट जाएगी तो निर्मल जल मौजूद है ज्यों का त्यों, कि ठीक है बहुत तेज प्यास लग रही थी, अब वो कहने वाला तो कह करके चला गया, अब ये गया कुएं के किनारे, और कुएं के किनारे जाकर के हे काई हट जा, हे काई हट जा, थोड़ा सा निवेदन किया उसे, 5-10 मिनट हट जाएगी काई, हटेगी कि नहीं हटेगी, तो फिर क्या करें, आरती उतारना चालू कर दिया, हे जल काई माता, क्या क्या करें, मतलब आरती उतारे उसकी काई की, हटेगी कि नहीं हटेगी, अभी भी नहीं हटेगी, अभी भी नहीं हटेगी, क्या करूं, इसके नीचे पानी बताया है, ये हटे तो मैं पानी पीऊं, क्या करें बोलो, पूजन विधान कराएं कोई, कौन सा विधान, सिद्ध चक्र है, सिद्ध चक्र विधान कराएं, गौरव क्या करेंगे, सिद्ध चक्र विधान कराओ, खूब ढोल मंजीरे माइक लगा दिया, अब तो हट जाएगी ना, क्या उपाय है बोलो, हटाने का क्या उपाय है,
गुलाम भाई क्या करें। कोई समझदार व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, उसने देखा यार ये क्या चल रहा है, ये कौन से भगवान की भक्ति चल रही है, कर क्या रहे हैं। और पूरी कहानी पता चल गई कि अरे भाई साहब इनको पानी पीना है। तो कहा अरे क्या कर रहे हो आप, एक काम करो लोटा लाओ इधर। क्या क्या करें लोटे को ला करके, बोले इसमें डाल। कह रहे इसमें काई है गंदगी, क्या कर रहे हो आप, ये हटेगी तो पानी में। तू चिंता मत कर, तू लोटा डाल अंदर कि जलेगा कहां, जगह कहां है, तू डाल दो सही। हम कह रहे हैं ना तू कर तो सही एक बार हमारे कहने से। ऐसा फिर क्या हुआ, लोटा जैसे ही अंदर गया और काई ने जगह दे दी और वो लोटा निर्मल जल से भर गया। अरे ईश्वर जी बाबू जी कहते थे तू एक बार तूफानी वेग से कदम तो भरा, ये पर्वत भी रास्ता दे देंगे, कर्म क्या चाहिए। तू पुरुषार्थ तो कर एक बार, तू क्या डरता है इन आश्रम भावों से, तू क्या डरता है विकारी भावों से। तू एक बार अपने उपयोग को सारे जगत पदार्थों से हटाकर एक बार इन आश्रमों की छाई हुई काई के बीच में इनको चीरता हुआ अंदर मौजूद भगवान आत्मा का दर्शन करने का प्रयास कर। तेरा उपयोग यदि निर्मल जम के समान अतिंद्रिय आनंद रस से न भर जाए तो कहना, अतिंद्रिय आनंद रस से भर जाएगा। तो एक बार कर तो सही, कर तो सही कि नहीं नहीं साहब ये रास्ता दे दे, ये रास्ता दे दे मुझे, ये हट जाए। कौन हटाए, किसको हटाए, किसको हटाना है, हटे हुए ही है वो तो। बहिर लुटती बाहर बाहर लौटते हैं, जम के ऊपर वर्तने वाले तेल की तरह है ये, काई की तरह है ये, आश्रम परिणाम, ये विकारी परिणाम, ये राग द्वेष के परिणाम, ये अज्ञानता और विपरीतता के परिणाम, ये ऊपर ऊपर लौटते हैं। भाई साहब दृष्टि दो अंदर, अंदर कौन दिखेगा तुम्हारे को, कि भगवान दिखेंगे। क्या किसके दर्शन होंगे, किसको देखें हम, देखना है आपको उस भगवान को, देखना है उस भगवान को, देखने की विधि दिखा रहे हैं। आश्रव परिणाम के बारे में कह रहे हैं, इन आश्रव परिणामों को देखना बंद कर और ज्ञान को देख कि भगवान आत्मा कैसा है। क्या शब्द दिए, आश्रव भाव तो थे अशुचि और ये भगवान आत्मा तो कब, सदा 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 अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है, इसलिए अत्यंत शुचि ही है, पवित्र ही है, उज्ज्वल ही है। अरे भाई मुझे परमात्मा होना नहीं है, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रकट आत्मा। तो इस मोह की चादर को हटा तो सही, तो इस विपरीत भाव रूपी चादर को हटा करके तो देख, अंदर तुझे अतिंद्रिय आनंद रस का दरिया नजर आएगा। क्या करें साहब बोलो, उस मूर्ख ने काई को हटाया नहीं और पूजन पाठ शुरू कर दिया। हम लोग तो बहुत समझदार हैं, हम लोग तो समझदार हैं ना, क्या कर रहे हैं बोलो। इस भगवान आत्मा को प्राप्त करने के लिए, इस अतिंद्रिय आनंद रूपी जल को प्रकट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, भक्ति करो, भक्ति भक्ति करो, आश्रम हटेगा थोड़ी देर, विधान करो विधान, आश्रम हटेगा, विधान करने से आश्रम हटेगा कि नहीं बोलो, भक्ति करने से आश्रम हटेगा कि नहीं, पूजन करने से हटेगा कि नहीं, व्रत उपवास आदि से हटेगा कि नहीं, क्या क्या करें बोलो, उपाय क्या है। वो तो हमें मूर्ख नजर आ रहा है, उसके ऊपर तो सब हंस रहे थे, हमारी क्या हालत है, हम क्या कर रहे हैं, नहीं अटके हैं इसी में। ये भगवान आत्मा कैसे उपलब्ध होगा, ये अतिंद्रिय आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, इसकी विधि क्या है, आत्मा को जानने की विधि क्या है, ये बताओ मुझे बोलो। गुरुदेव से पूछा आत्मा को जानने की विधि क्या है, क्या जवाब है उन्होंने, साहब गुरुदेव आत्मा को जानने की कोई विधि बता दो, कोई विधि बता दो आत्मा को जानने की, बताएं आपको आत्मा को जानने की विधि। गुरुदेव ने एक वाक्य में जवाब दिया, बोले आत्मा को जानना ही आत्मा को जानने की विधि।
दूसरा कोई उपाय ही नहीं। क्या उपाय होगा? व्रत प्रतिमालो, उपवास करो या मंदिर में डेरा डालो। कैसे कैसे मिलेगा ये भगवान आत्मा? पंडित साहब को भजन राजकुमार जी साहब तिरंज गति के अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर जावे। तू एक बार देख अंदर में, तुझे भगवान मिलेगा। तू कहां देख रहा है? कोई विधि नहीं है। योग सार में योगेंद्र देव कहते हैं, निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। क्या क्या शब्द दिए? निज आत्मा जाने नहीं अर क्या करता रहे पुण्य। एक गाथा से 25 गाथाएं बनाओ। बोलो, बना सकते हैं? बोलो निपुण भाई, एक गाथा से 25 गाथाएं बनानी है आपको। बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। निज आत्मा जाने नहीं अर दान ही देता रहे। निज आत्मा जाने नहीं उपवास ही करता नहीं संसार में। संसार में फिरता रहेगा भैया, संसार में फिरता रहेगा। आत्मा को जानो, आत्मा को एकमात्र यही उपाय है संसार परिक्रमण से छूटने का, दुखों से मुक्त होने का। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। कितनी मालाएं फेरता रहे, कितनी भक्ति करे, कितनी पूजन करे, कुछ भी कर ले, आत्मा जाना के नहीं जाना ये बता। यो आत्मा तो नहीं जाना, ये तो कर ले कुछ नहीं हुआ। अनंत काल हो गया, अनंत काल रोते हुए अपने स्वरूप को जाने बिना, जा स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। जे स्वरूप को समझे बिना तूने अनंत दुख पाए हैं, उस स्वरूप को यहाँ दिखा रहे हैं। किसके सामने कौन खड़ा है ये देख। क्या गजब की बात कह रहे हैं। लगता है ये आश्रम तुम्हारे को पीड़ा देने वाले लगते हैं, ये आश्रम तुम्हारे को कष्ट देने वाले दिखाई देते हैं, इन आश्रमों में तुम्हारे को पीड़ा दिखती है। लगता है आपको ऐसा कि आश्रम भाव कष्ट देने वाले? कौन से आश्रम? अभी तो बंटवारा नहीं किया, सारा जगत ये कह रहा है पाप छोड़ो पुण्य में लगो, पाप छोड़ो पुण्य में लगो। और आचार्य देव ये कह रहे हैं आश्रम तेरे दुख का कारण है। कौन से आश्रम दुख का कारण है? चलो अभी अभी अपन ने सात तत्व देखे थे ना, सात तत्वों में से अपन ने एक ये उपाधि छाटा था। सात तत्वों में से क्या छाटा था अपन ने? एक ये उपाधि। हे क्या है? हे माने छोड़ने योग्य, गे माने जानने योग्य, और उपाधि माने ग्रहण करने योग्य। आश्रम और बंध क्या है? हे है पक्का। आश्रम और बंध तो हे है ना अमित जी, पक्का हे है आश्रम और बंध। पुण्य आश्रम मैं कहता हूं, कभी कभी दिक्कत ही है सब। हमारे जो साथी लोग हैं ना दूसरे, जब कभी हमसे ऐसे बहस करते हैं, चर्चा करते हैं इस तरह की, कभी किसी विवाद करने, अरे यार तुम आश्रम को ऐसा किसको ऐसा कहते हो, पुण्य को हे कहते रहते हो, तो मैं उनसे सीधी सी बात पूछता हूँ। बहुत सिंपल सी बात, सीधा सरल सा प्रश्न। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछना, किसी भी संप्रदाय का विद्वान क्यों ना हो, कहीं का भी हो, उससे एक प्रश्न पूछो, आश्रम अच्छा है या बुरा है? बोलो क्या क्या जवाब होगा? बुरा है। फिर उससे पक्का दो बार और पूछ लो, पक्का बुरा है ना? जहां पक्का बुरा है, आश्रम पक्का बुरा ना? आश्रम तो बुरा ही है, छोड़ने लायक ही है। फिर हमने कहा कि भक्ति करने का परिणाम
ये आश्रम है कि समर है? ये आश्रम है, ये पुण्य आश्रम है, ये पुण्य बंध का कारण है। कभी कभी ऐसा भी विवाद करते हैं दीपक जी, वो कहते हैं यार आप देखो कुछ भी हो आपसे तो बर्बाद हो, आपसे तो अच्छा है पुण्य, आपसे अच्छा नहीं है क्या? बहुत सारे लोग सीढ़ियों पर बैठ करके पीछे सुन रहे हैं उधर, कल भी मेरे से बहुत सारे लोग मिले, आपसे तो अच्छा है ना, कह दो अच्छा, नहीं नहीं कहूं, कह लेना जो यार माइक मेरे पास में जब जब हमसे हमारे साथी कई ऐसे जो लोग जिरह करने लगते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हाँ हाँ अच्छा है, कितना अच्छा है? बोले आप से तो पुण्य 100 गुना अच्छा है, कि 100 गुना अच्छा है? हम कहते हैं 100 गुना नहीं, अनंत गुना अच्छा है। हाँ तो ठीक है, अरे यार आपके मुंह से ऐसी बात सुनेंगे हम? हमें तो उम्मीद नहीं थी आप ऐसी बात कह रहे हो। हमने कहा हमें एक बात बतला दो कि पाप कितना अच्छा है। हमें इतनी सी बात बतला दो पाप कितना अच्छा है। बोले पाप अच्छा थोड़ी है, पाप तो बुरा ही है। पाप कितना अच्छा है? जीरो जीरो। पाप कितना अच्छा है? जीरो। तो कितने गुना करना है बोलो? कितने कितने गुना करें बोलो? 100 गुना। अनंत गुना रखना जी, जीरो से अनंत गुना अच्छा है पुण्य। जीरो से गुना करो अनंत को, क्या आएगा रिजल्ट? जीरो जीरो जीरो। तुम कितने भी गुना अच्छा कहो जीरो ही है, जीरो ही है भाई साहब। मोक्ष मार्ग में उसका रंज मात्र स्थान नहीं है, मुक्ति के मार्ग में उसका रंज मात्र स्थान नहीं है। कुछ तो कहो, कुछ तो कहो उसके बारे में, क्या कहें? तुझे पुण्य की चेंट नजर आ रही है, हम तुझे भगवान दिखा रहे हैं और तू पुण्य में अटका है। तू 2 रुपए के पीछे उलझ रहा है, हम तुझे 2 करोड़ का खजाना दे रहे हैं। क्या हो रहा है? अरबों खरबों की संपत्ति दे रहे हैं और तू 2-2 रुपए में उलझ रहा है। बहुत से मेरे को कभी बहुत विकल्प आता है इस तरह का, जब सब्जी वालों से झगड़ते हैं, जब रिक्शे वालों से झगड़ते हैं 2-2, 5-5 रुपए के लिए। तुम्हें पता नहीं है तुमने इन दरिद्रता और दीनता के परिणामों में अपने कितना करोड़ों अरबों का पुण्य क्षीण कर लिया, अनलिमिटेड पुण्य क्षीण कर लिया आपने। तुम्हारे जो परिणाम है ना 2 रुपए बचाने के सब्जी वाले से, कितने की है? बोले 15 रुपए की। 10 की नहीं देगा तू, 5 रुपए बचा के क्या करेगा ये बता? अरे ये बता तू 5 रुपए बचा के क्या करेगा? वो दिन भर बैठ करके सब्जी बेच रहा है, तो मेहनत कर रहा है, अबे आगे बढ़ता है कि नहीं? नहीं 15 नहीं 12 में देनी हो तो बोल, 3 रुपए बचा रहा है। जय हो गई, क्या हो गया है तेरे परिणामों को? अरे हम तुझे क्या दिखा रहे हैं और तू क्या देख रहा है? तू वो जो 2 मिनट तूने बहस करने में लगाए, तू 2 मिनट को वहां से हटाकर अपने ज्ञायक में लगाता तो केवल ज्ञान हो जाता। तू अपने उपयोग को, तू अपनी परिणति को कहां बर्बाद कर रहा है? तुझे अंदाजा है तेरा परिणाम कहां जा रहा है, कहां बर्बाद हो रहा है, तोड़े जा रहा है, विवाद में लगा है, बहस में पड़ा है? अरे भाई सुन, जो काम पैसे से निपटता हो उसे पैसे से निपटा लेना। पैसा गया कुछ नहीं गया, उपयोग बर्बाद नहीं होना चाहिए। ज्ञानी जीव अपने उपयोग की सुरक्षा करते हैं और अज्ञानी पैसे की सुरक्षा करते हैं। आपको किसकी सुरक्षा करनी है? उपयोग की सुरक्षा करें। ये खजाना है ये उपयोग, इस उपयोग को अंदर ले जा। किताब मुझे तो काई नजर आती है, मुझे तो सेवान नजर आती है, मुझे तो आश्रम भाव नजर आते हैं, कि सुन ये आश्रम भाव तुझे रास्ता देंगे यदि तू उपयोग को अंदर डालेगा तो, और यदि तू इनके हटने का इंतजार करता रहेगा तो अनादि काल से अनंत काल तो निकल गया, अनंत तो और बीत जाएगा, ये रास्ता नहीं देंगे। तुझे रास्ता चाहिए ना, रास्ता चाहिए ना तेरे को, उपयोग डालना अंदर, इस बात का विकल्प करना है। अंदर में देख, अंदर में देख तू भगवान है, अंदर में देख तू परमात्मा है। क्या
परमात्मा से कम नजर नहीं आएगा कि साहब मुझे दिखता ही नहीं है। पता है तेरे को कौन कह रहे हैं यहाँ पे? ये अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं, रिटर्न में कह रहे हैं, सुनी सुनाई बात नहीं है, लिखित में दे रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको सर्टिफिकेट देवे क्या और बुलाए और मंच से माइक से कहता रहे कुछ भी और देवे नहीं, तो आप क्या कहते हो? आपने जो कुछ भी बोला है वो लिख के दे सकते हो, रिटर्न में दे सकते हो? यह आचार्य अमरचंद्र स्वामी हमारे को लेकर के दे रहे हैं कि तू परमात्मा है, तू भगवान है, सारा खेल श्रद्धा का है भैया, सारा खेल अपनेपन का है। इस भगवान को देख करके जो भगवान स्वरूप में अपनापन करते हैं ये भगवान बन जाते हैं। अरे इसी धरातल पर बैठ करके अनंतानंद जीवों ने अपने उपयोग को इन्हीं आश्रम भावों के काल में वहां से हटाया और अपने गायक में लगाया और आज के समय में जाकर के विराजमान है। आपको क्या करना है? अपन यहां क्यों बैठे? नहीं रास्ता नहीं मिल रहा। लोकल ट्रेन में सफर किया है कभी? मुंबई में ये करते हैं रोजाना, बम्बई वाले लोग कैसे कैसे करते हैं कि नहीं नहीं जब जब ये हटेंगे ना तो जाऊंगा। बेटा तू बैठा रहे यहां सुबह से शाम तक क्यों साहब चौबीस के लिए साहब बोलो क्या करें? अरे तू प्रवेश कर कि जगह ही नहीं है कि जगह अपने आप हो जाएगी। तू तो अंदर जा, जगह की परवाह मत कर, जगह अपने आप हो जाएगी। ये कर्म जगह देंगे। अरे कर्म क्या जगह देंगे? कर्मों ने तेरी जगह को रोका हो तो बात ना, कर्मों ने तेरी जगह को रोक ही नहीं रखा है। तू भ्रम से ऐसा मान करके बैठा है कि कर्मों ने मेरे को जगह नहीं दी, जगह नहीं दी। तू रोता रहता, ये रोने की बात नहीं है, ये प्रसन्न होने की बात है कि आश्रमों के काल में भी भगवान आत्मा भरा पूरा झोंका क्यों मौजूद है। इन आश्रमों ने अनादि काल से मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, इन कर्मों ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, इन कर्मों के काल में भी मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है। कर्म के उदय के काल में नहीं बिगड़ा, रात के काल में नहीं बिगड़ा, आश्रम के काल में नहीं बिगड़ा, विकार के काल में नहीं बिगड़ा। अरे विद्यात्व के एक समय के परिणाम ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा आज तक। ये जाने वाले परिणाम है, ये परिणाम जाने वाले हैं और ये न्याय भगवान आत्मा सदा एक रूप रहने वाला है। इसलिए भाई ये अमृत चंद्राचार्य देव के इन मधुर वचनों को सुनकर क्या, ये परम उपकारी इस वाणी को सुनकर अभी यदि तुम्हारा आश्रम भाव, यदि तुम्हें आश्रम ही आश्रम दिखाई देता है तो टोडरमल जी कहते हैं तुम्हारे अभाग्य की महिमा तो हमसे बड़े भाग्य से हमको मिले ये गुरु। अमृत चंद्राचार्य ने एक बार कह दिया, अब मैं कहता हूं अमृत चंद्राचार्य ने तो कह दिया और यदि गुरुदेव श्री नहीं होते तो क्या तुम आत्मा के पहले भगवान जोड़ पाते? इन इन लाइनों को खोल करके किसने बताया? कितना उपकार है उनका। अरे गुरुदेव ने खोल खोल करके हर प्रवचन में सौ सौ बार ये कहा कि तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है। उस प्रभुता की श्रद्धा कर, अपनी पामरता को मत देख। ये पामरता देखने लायक नहीं है, ये अशुद्धि देखने लायक नहीं है, ये विकार देखने लायक नहीं है। कि क्यों नहीं देखने लायक है? क्योंकि देखने वाला तत्व इधर है। थोड़ी गर्दन घुमा और गायक को देख, और आप सभी ऐसे गायक को देखकर उस गायक का अनुभव करें। इसी भावना से बात हो यही है।